तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। चार राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, नतीजे तब्दील हो जाएंगे, रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में टफ फाइट मानी जा रही थी, आप लोग आगे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश में फाइट टफ नहीं थी, छत्तीसगढ़ में जरूर टफ थी, लेकिन जब जनता का विश्वास मिलता है तो इसी प्रकार मिलता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास किया है। और एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध जिस प्रकार की टिप्पणी नेता कर रहे थे, वो टिप्पणी करना भी उनको भारी पड़ गया है। जिस प्रकार सनातन का अपमान कर रहे थे, वो सनातन का अपमान करना भी उनके लिए भारी पड़ गया है। और कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। राज्यों में सरकार के अच्छे कामों को, जहां हमारी सरकार ने थी उनकी सरकार की विफलताओं को हम जनता तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। आपको लग धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।